हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के अंदर आपको मैं मशीन दिखाने वाला हूं कि आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए और हमारी सिलाई लाइन में कौन कौन सी मशीनें आती हैं, मशीन की कितनी वैरायटी होती है, तो सब आपको इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप ब्लाउज का कोर्स चाहते हो कि आप बिल्कुल फ्री में लेना, जिसे हम एक महीने बाद बनाने वाले हैं, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना, साथ में प्यारा सा कमेंट हमारे इस वीडियो के नीचे कर देना। हम दो दिन बाद उस कमेंट को पिक करेंगे और जो भी लोग 50 लोग विनर होंगे उनको हम फ्री में ब्लाउज कोर्स सिखाएंगे, जो हम एक महीने बाद बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं शॉप पर और आपको मशीन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूं शॉप पर मशीन की, और यहां पर बहुत तसल्ली के साथ मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा रश रहता है, इसलिए इस वीडियो को मैं रात में शूट कर रहा हूं। तकरीबन यहां 10:30 बज चुके हैं रात के, और शटर गिरा के दोस्तों हम यहां पर अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, जो चीज़ इनके यहां पे अवेलेबल है। वैसे तो इनके यहां हर एक चीज़ सिलाई के लाइन से अवेलेबल है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ अवेलेबल है। मैं आपको कैमरे से पूरा व्यू दिखाऊंगा। एक चीज़ और बोलना चाहता हूं मैं आपको कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर आपको चलते दिखते होंगे, आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हो, और पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी इसको मंगवा सकते हो, चाहे कोई भी मशीन हो, सब कुछ यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और मेन चीज़, चाहे आपकी एक कैंची हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आपको इनके यहाँ पर दिखाऊँगा कैंची की वेराइटी। तो आप देखिए कैंची की वेराइटी क्या क्या है। राहुल भाई, आप भी आ जाइए, थोड़ा थोड़ा बता देना कैंची के बारे में। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये कैंची, एक बार आप दिखाओ भाई ज़रा ध्यान से, आप कैंची देखिए इनके पास कितने प्रकार की कैंची है। आप देखिए ये कैंची हो गई, और देखिए कितनी, मतलब बड़ी कैंची, छोटी कैंची, जैसे आपके हाथ में सेट हो। मैं ज़्यादातर जो कैंची यूज़ करता हूँ तो इस ये वाली यूज़ करता हूँ मैं, काली कैंची। और इनके पास एक कैंची ये वाली जो सबसे बेस्ट है, अगर आप लेते हैं 11 नंबर की, इसका क्या नाम है राहुल भाई? अच्छा, वेकन कंपनी की इस कैंची, इसका क्या प्राइस होगा? ये 650 रुपये की है, और ये 11 नंबर में अवेलेबल है इनके पास, क्योंकि 12 नंबर कहते हैं ज़्यादा शॉर्ट रहती है, पीछे से ये नहीं आती। तो आप देखेंगे कैंची की वैरायटी में, ये अगर आप एक काम के पर्पज से ले सकते हो, बाकी कैंची की वैरायटी आप देखें बहुत सारी है, मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक कैंची भी मंगवा सकते हो ऑर्डर देके ऑनलाइन, लेकिन पहले आपको पेमेंट करनी होगी इनसे। जब बात करोगे और उसका आप पेमेंट की रिसीप्ट जब सेंड करेंगे तो आपको, तो वो मैं बता देता हूँ, जो भी आप मतलब यहाँ पे पेमेंट की रिसीप्ट सेंड करेंगे, फिर ये आपसे बात करके और पूरा जेन्युइन बिल देते हैं। आप बिल देते हैं इसका? हाँ, बिल के साथ आपको ये सेंड करेंगे, ठीक है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए ये कैंची जो है जियो की, ठीक है, ये 400 रुपये की है, ये 11 नंबर की है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की कैंची है, तो यहाँ पर एक बार मोटा मोटा बता दीजिए कौन कौन सी कैंची किस रेट की है। ये वाली सबसे छोटी कैंची आती है 4 इंची वाली, 6 इंची, ठीक है। कितने की है? 20 रुपये की है। ये 20 रुपये की है, धागा ओवरलॉक के काटने के काम आएगी। 15 रुपये की है। ये 15 रुपये की है। ये वाली कैंची जिगजैग की है, अपनी 8 नंबर की है। ये जिगजैग किस काम में आती है? ये डिजाइन बना के काम आता है, लाइए दिखाता। हाँ दिखाइए, एक बार ज़रा डेमो दिखाएंगे भाई जी, ये देखिए। अच्छा, मतलब ये वैसा हो गया जैसे एक रुमाल को अगर आप बनाना चाह रहे हो, निशान लगा के कटिंग कर लो चारों तरफ से, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो आज मैं खुद आज ये पहली बार देख रहा हूँ, तो इनके पास आप वैरायटी देखिए। और यही सेम कैंची है ये वाली। अच्छा, एक कैंची और है हैवी फैब्रिक के लिए ये। अच्छा, ये सेम है लेकिन थोड़ी हैवी फैब्रिक के लिए, यानी कि कोई मोटा कपड़ा है उसके लिए। तो देखिए आपने यहाँ पे जिगजैग वाली कैंची, मैंने भी पहली बार देखी, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। लेफ्ट हैंड की कैंची है ये वाली। अच्छा, जो उल्टे हाथ से काम करते हैं उनके लिए। अच्छा देखिए, मैं आपको कैंची आपको लेफ्ट हैंड में मिल जाएगी, कोई सी कैंची। यहाँ पे देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड में बता देता हूँ, ये मेरा सीधा हाथ है, और ये देखिए यहाँ पे अंगूठा आप देख रहे हैं ना इस तरफ आ रहा है, और लेफ्ट हैंड में आपका इस तरफ बना हुआ है। तो काफ़ी लोगों को परेशानी होती है कि लेफ्ट हैंड के लिए, जो लेफ्टी हैं उनके लिए, तो यहाँ पे आपको कोई भी कैंची लेफ्ट हैंड की भी मिल जाएगी, कोई सी कैंची आप चाहेंगे इसमें मांगेंगे मिल जाएगी कोई सी। तो चलिए कैंची आपने दिखा दी, और कुछ इसमें बताना है या इतना बहुत है? तो आप देख लें ये कैंची है, आपको सब कलर की कैंची मिल जाएगी। तो चलिए अब ये कैंची मैंने यहाँ से हटा दी, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और आइटम दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको जो भी मशीन दिखाने वाला हूँ, ये ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं भाई जी से, ये सब ऑटोमेटिक मशीन है, और इसके अंदर मोटर इनबिल्ड होती है, ठीक है, इसी के अंदर मोटर होती है। तो ये लेटेस्ट मशीन आप देख सकते हैं, ये तो सिर्फ अभी एक ट्रेलर है, बस कुछ मशीनें हैं,
मशीनें तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई जाएगी जब इनका शोरूम एक बढ़िया तरीके से सेटअप होगा। अभी हम रात में वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप ये देखिए मशीनें। अब इन मशीन की जो जानकारी है ना ये भाई जी देंगे कि किस तरीके से कौन सी मशीन काम में आती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस मशीन के बारे में बताइए, ये है ऊषा कंपनी की झुकी वाली है। एक मिनट रुकिए, मैं माइक ले आता हूँ, अब बोलिए। ऊषा की मशीन है झुकी वाली है, सिलाई मशीन होती है, बेसिकली सिविल काम के लिए यूज होती है, जैसे बुटीक वगैरह टेलर के काम के लिए यूज होती है। ठीक है, लाइट वाइट सब लगी होती है इस मशीन के अंदर, स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। ये इसका ऑन स्विच लगा है यहाँ पे, फिरकी भरने के लिए, बॉबिन भरने के लिए यहाँ पे रखा है इसका। ठीक है, यहाँ लग जाएगी। अच्छा, ये आपका ये मतलब सिलाई को कम या ज्यादा करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल। ठीक है, ये इसका बैक चैनल हैंडल है सिलाई पक्की करने के लिए। अच्छा, आप कह रहे थे ऊषा मशीन में एक फैसिलिटी, वो कौन सी फैसिलिटी? इंडिया इसकी सर्विस मिलेगी आपको पूरे भारत में, कहीं भी आप मशीन लेंगे पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी मशीन मेरे से लोगे आप तो उसकी होम सर्विस गारंटी मिलेगी आपको, और फिटिंग करने बंदा जाएगा अलग से। यानी कि अगर आप ये मशीन इनसे लेते हो और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो भी कंपनी वाले हैं ना वो घर पे आके ये ठीक करके जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें खराबी आती ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन कभी कभी एक इत्तेफाक हो गया, हो सकता है वो इत्तेफाक आपके साथ हो जाए। अब ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसे देखें, ये होता है फोल्डर। ठीक है, मैं बूट भी निकालता हूँ, बूट निकालो जरा एक दो। ये फोल्डर होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 30 mm, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा। ये जो है पटरी यहाँ से हटने के बाद यहाँ पे ऐसे फोल्डर लगता है, और इस तरीके से देखिए ये कपड़े पे इस तरीके की पाइपिंग को बनाता हुआ जाता है। आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको ये पट्टी कटिंग करनी है। ये यूज़ कैसे होता है ये तो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। फोल्डर आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि हर तरीके के फोल्डर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। कम से कम 150 तरह के फोल्डर हैं हमारे पास दुकान में। कितने तरीके? 150 तरह के फोल्डर हैं इसी सिलाई मशीन के लिए। अच्छा, सिलाई मशीन के लिए 150 कलर के करीब फोल्डर बता रहे हैं। 150 तरीके के फोल्डर हैं। और बूट भाई जी, आप बूट दिखाइए कुछ। और ये आपके काली मशीन जो अम्ब्रेला मशीन होती है, हर मशीन में लग जाएगा ये। अच्छा, ये हर मशीन में लग जाएगा। ये फोल्डर के प्रेशर फोल्डर और फीड डॉग दाता ये है। अच्छा, ये दांत इसका क्या काम होता है? ये इसी मशीन में लगेगा, फोल्डर के लिए लगेगा, फोल्डर के साथ में लगेगा। अच्छा, ये फोल्डर के साथ में लगेगा। ठीक है, ये आपका मतलब हो गया फूड। ठीक है, ये फोल्डर के साथ लगेगा तब आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो फोल्डर 150 तरीके के फोल्डर यहाँ पे इनके यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, आप इनके यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको एक बार बूट भी दिखाते हैं। और ये आपके नॉर्मल मशीन जो होती है ना अम्ब्रेला, जिस पे हम सिलाई करते हैं, टेलर लोग काली मशीन कहते हैं उसको हम, ये ऑटोमेटिक मशीन हर किसी में वर्क करेंगे। ये वाला बॉटम फोल्डर, ये बॉटम फोल्डर किस काम का? नीचे से मोड़ने के लिए होता है, जो पता मुझे शर्ट के नीचे मोड़ते हैं ना। अच्छा, जो शर्ट लग जाएगा हमारे। अच्छा, यहाँ ये तो चलिए आप फोल्डर तो हमने बता दिया। अटैचमेंट बहुत सारे के फोल्डर, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसी के ऊपर रहेंगे तो वीडियो तो लग रहा है 1 घंटे की इसी के ऊपर बन जाएगी। बस मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बूट होते हैं, क्या बूट भी अलग अलग तरीके के होते हैं? बूट हमारे पास तो कैसे 100 से 150 तरह के बूट हमारे पास। अच्छा, बूट किस किस काम के आते हैं? कुछ अलग तरीके के बूट, बूट सिंगल बूट, आप जो है 2-4 बूट निकाल लो जब तक हम और मशीन की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं भाई से। ठीक है, आप जब तक फूट निकालिए। तो चलिए, ये तो ऊषा के बारे में बता दिया, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अगर आप ऊषा की मशीन खरीदते हैं इनके यहां से, ठीक है, तो इसकी जो भी कुछ कमी आएगी, एक तो इसकी सर्विस यानी घर पे आके बंदा खुद इसको फिट करके जाएगा, और अगर कोई भी कमी आती है तो ये घर पे आके ही होम सर्विस है, बिल्कुल सही करके वो जाएंगे पूरे भारत में कहीं भी। तो चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी मशीन पे, न्यू एक्सपर्ट, इसके बारे में बताइए, इसकी क्या खासियत है? सेम है, नया मॉडल आ गया इस मशीन का। अच्छा, सारे फीचर्स वही सेम है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अच्छा, सेम फीचर है जी। अच्छा, प्राइस के बारे में बता दीजिए। उस प्राइस मशीन का देखो, हर मशीन का जो प्राइस है फ्लक्चुएट होते रहता है। आप अभी का फिलहाल, अभी का फिलहाल बताइए क्या चल रहा है? 800 रुपए की मशीन है वाली फिलहाल, 20,800 की ऊषा की मशीन है, और न्यू एक्सपर्ट की वाली मशीन 500 रुपए की, ये 19,500 की। और एक बार दिखाइए, देखिए एक चीज और मैंने भाई से पूछी तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी मशीन आप लेते हैं तो इसका रेट फ्लक्चुएट होता है, यानी कि एक मार्केट होती है, जैसे शेयर मार्केट ओपन होती है, तो इसमें जो रेट जो आपको मिलेगा वही रेट के हिसाब से आपका बिल कटेगा। यानी कि अगर मान लीजिए 19,500 रुपए की मशीन का रेट आज ओपन हुआ तो आपको 19,500 का ही बिल मिलेगा विद GST के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर काम होता है, कोई फ्रॉड वाला बिना बिल के कोई भी काम यहाँ पे नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप बिल्कुल आप मशीनें देखिए और इनके देखिए कितनी ज़्यादा मशीनें हैं। तो ये आपको मैंने दिखा दिया न्यू एक्सपर्ट। तो ये अभी के हाल ही के प्राइस बता रहे हैं, कितना बताया? 19,500। ये देखिए जैक मशीन F4, ये तो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। आप जानते हैं कि ये नॉर्मल मशीन है और इसको मैं अब यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आई नहीं जो मैं इनके पास लेके आऊँ कि भाई ये ठीक कर दूँ। वो मुझे करीब ये तकरीबन 3 साल हो गए इसे यूज़ करते हुए। तो बहुत बढ़िया मशीन होती है ये। इसका जो पायदान होगा कोई अपने पास अभी बंधा हुआ? अच्छा, स्टैंड जो है गोदाम पे रेडी होता है। मैं सिर्फ आपको मेन हेड दिखा रहा हूँ, स्टैंड जो होगा वो मैं आपको अपनी किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। बिल्कुल वैसे स्टैंड होते हैं एक जैसे। तो ये आपका जैक F4 है। ठीक है, ये देखिए जैक F4,
ये मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा भी इसमें कई सारे मॉडल आते हैं, A2 आता है, A3 आता है, A1 आता है, वो सब मॉडल मिल जाएंगे आपको। ठीक जगह है। कम होने के कारण हमने सिर्फ जो है कुछ मशीन जो है डिस्प्ले पे लगाई। हाँ वो तो दिख रहा है, जो बुटीक पर्पस पे हमारी जो मशीन यूज होती है वो यही वाली मशीन यूज होती है। अच्छा ठीक है, ये हाँ बुटीक पर्पस से मैं, मेरे पास भी यही है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा इसका जो रेट है मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने करीब जब इसे परचेस किया था 1.5 साल पहले तो 16,500 का परचेस किया था। फिर मैं इन भाई के पास आता हूँ 6 महीने बाद तो मैंने ये परचेस करा 18,500 का। फिर मैं आया लेने के लिए तो मुझे मिला 19,100 रुपये का। फिर दोबारा मैं आया फिर मिला मेरे को 18,000 रुपये का। इस टाइम पर जो रेट है इसका कितना है भाई? 20,300 रुपये। 20,300 का इस टाइम पर ये रेट है। अगर आप अमेजोन पर इसे सर्च करोगे तो आपको तकरीबन ये 25,000 से 27,000 के बीच में आपको ये मिलेगा रेट। ठीक है, तो ये फ्लैक्चुएट होता रहता रेट, कोई फिक्स नहीं है, ये चीज़ मैं आपको इसमें बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपने वीडियो में क्या बोला था, यहाँ पे क्या रेट मिला। अच्छा भाई जी, ये है जुकी जैक मशीन, जापानीज़ कंपनी है, सबसे फेमस ब्रांड यही होता है अपने। अच्छा जुकी की, अच्छा जुकी मशीन, इसको जुकी तो नाम हो गया तो जुकी मशीन जुकी होगी, जुकी जुकी कंपनी की ही मशीन है, जापानीज़ मशीन है। अच्छा जापानीज़ मशीन है, ठीक है। अच्छा ये चाइनीज है? ये सब चाइनीज है, ये चाइनीज है, ये जापानीज़ है और ये बहुत मतलब पुरानी है। और इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पुरानी कंपनी यही वाली मशीन है, जुकी की जेन्युइन मशीन है ये वाली। अच्छा जेन्युइन मशीन है, इसके अंदर इनबिल्ड है मोटर? हाँ बिल्कुल इनबिल्ड देंगे। ठीक है, ये मशीन पे यहाँ देखो गुदा होता है बॉडी पे, जुकी लिखा होता है मशीन। अच्छा यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे जुकी लिखा होगा, ये जापानीज़ मशीन है। सिर्फ यही एक मशीन है जिसपे बॉडी पे लगा होता है, बाकी हर मशीनों के नीचे लिखा होता है। अच्छा बैक साइड पे लिखा होता है जुकी। तो ये मशीन मैंने आपको झुकी की दिखाई है। ठीक है, इसमें भी इनबिल्ड मोटर लगा के देंगे इसके अंदर आपको भी हम। अच्छा मतलब इनबिल्ड मोटर क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। जैसे हमारी वाली मशीन लगी है, कौन सी? जैसे इसमें लगा है हमारा इनबिल्ड बोलते हैं उसको, अंदर डैड ड्राइव बोलते हैं इस मशीन। अच्छा ये चीज़, ये वाली मशीन हमारी डैड ड्राइव मशीन ही है। अच्छा मतलब इसमें ये हिस्सा लगा है। जी जी ठीक है, इसके अंदर भी आपको ऐसे ही लगा के देंगे। अच्छा, अगर कोई कस्टमर बोलता है कि हमें क्लच मोटर चाहिए या फिर नीचे की तरफ मोटर चाहिए, अच्छा तो लग जाता है इस मशीन के अंदर, मतलब वो आप उनकी डिमांड पे लगा दोगे। लग जाएगी। ठीक है, तो ये मशीन होगी। अब एक पीछे से थोड़ा सा हटा लें इसको। ये अच्छा इसका प्राइस बता दीजिए। ये वाली मिलेगी 27,500 रुपये की मशीन, 27,500 की GST के साथ। ये अभी का रेट है, बाद में क्या रेट होता है कुछ नहीं कह सकते, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए अब हम ये मशीन हटा के आपको थोड़ी ये मशीन के बारे दिखाते हैं जो पीछे रखी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एक जैक की मशीन। और ये कौन सी कंपनी है, मतलब जैक का कौन सा मॉडल है, ये भाई आपको बताएंगे पूरी डिटेल में। भाई ये कौन सा मॉडल है? 609 मॉडल है ये वाला, 609। तो ये मतलब अपने सिविल काम में आती है यूज? सिविल काम में भी आती है, प्लस बैग सिलने के लिए आती है, मोटे तो फैब्रिक के लिए आती है ज्यादा ये। अच्छा ये, ये मतलब देखो जैसे इसमें पीस लगा हुआ ना ये वाला, ये हाँ ये जीन्स सिल के लगा रखा है इसके अंदर हमने। अच्छा यानी ये जींस के लिए जी ज्यादातर मतलब बनाई गई है, जी मोटे फैब्रिक के लिए बनाई, मोटा फैब्रिक जो भी होता है चाहे वो जींस हो कुछ भी सिल मोटे फैब्रिक के लिए बनाई गई। अच्छा तो ये हैवी ड्यूटी मशीन है पूरी, ये हैवी ड्यूटी मशीन हो गई। व्हील व्हील बड़ा लगा हुआ है, अपनी नॉर्मल मशीन व्हील छोटा लगा होता है। ओके ओके व्हील बड़ा, इसमें आप चाहें तो इनबिल्ट मोटर भी लगा सकते हैं, सर्वो मोटर जो हमारी बाकी मशीन में लगी हुई है वो भी इसके अंदर लग जाएगी। ठीक है ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पे 609 ये मशीन है जैक की। और इसका क्या प्राइस है इस टाइम? इस समय 21,200 रुपये की है ये वाली, 21,200 रुपये की हैवी ड्यूटी की जो है मशीन है, मोटे कपड़ों के लिए खासतौर पे ये मशीन आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादातर मोटे कपड़े ही आते हैं बनाने के लिए तो इस मशीन को आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है मैकी की मशीन, और ये मेरे पास मशीन थी तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैक की और मैकी की मशीन मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, और इसका टाका जो है, जो सिलाई का टाका, काफ़ी बढ़िया रहता है जैक के मुकाबले, ये मेरे दोस्त बताते थे। बाकी मुझे जैक पसंद है, अपनी अपनी पसंद होती है। और ये मशीन भी काफ़ी बढ़िया चलती है, अगर आप इसे लेते हैं तो इसके अंदर भी अलग अलग जो है मतलब फैसिलिटी है। जैसे फैसिलिटी आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे चार्जिंग के, जैसे कि आप चार्ज करना चाहते हैं अपना मोबाइल तो यहाँ पे डाटा केबल लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे ये पक्का करने का होता है तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये आपका जैक में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप सिलाई चला रहे हो किसी किसी मशीन में ये वाला हिस्सा आपका बढ़ जाता है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये चाल होती है ना जिसे छोटा बड़ा करना, तो ये बढ़ जाता है चलते चलते मशीन किसी किसी में, लेकिन मैकी में ये प्रॉब्लम नहीं होती। भाई बिल्कुल सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, सबसे हैवी ड्यूटी मशीन मैकी में ही, मैकी ही कंपनी बनाती है और कोई कंपनी नहीं बनाती है, चाहे कोई सी मशीन हो, चाहे जुकी हो चाहे जैक हो, मैकी सबसे हैवी ड्यूटी मशीन बनाता है। अच्छा सिलाई पर्पज से आप वैसे इन मशीनों में कौन सी सजेस्ट करोगे? अगर सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस समय आज की डेट में, हम उषा प्रेफर करते हैं, जो हमारी उषा की मशीन है, क्योंकि इसमें गारंटी कस्टमर को होम सर्विस मिल जाती है। अच्छा उसके बाद प्रेफर करते हैं उषा की, जैक की सबसे आखिरी में, क्योंकि जैक का नाम इतना ज़्यादा चल गया है। अच्छा बाकी क्वालिटी पहले जैसी जैक में रही नहीं है इतनी कोई खास। अब अच्छा मतलब नाम चल गया है जैक का, लेकिन पहले जैसी क्वालिटी नहीं रही। जैसे ये वाला तो पहले आप उषा को करते हैं, सेकंड पे मैकी को करते हैं जी, थर्ड पे आप जैक को जैक करते हैं। ठीक है, बाकी देखो जैसे ये वाला फंक्शन हमारा, ये बटन दबा के जो है सिलाई छोटी बड़ी होती है, बिना बटन दबाए इसकी सिलाई मशीन की छोटी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। इसका हैंडल बड़ा है ताकि इजिली हम कर सके छोटी बड़ी सिलाई,
चार्जिंग स्लॉट दे रखा है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर जो ये पी वाला बटन है निडल पोजीशन के लिए है, जब भी हम मशीन रुकेंगे मशीन की जो सुई हमेशा ऊपर आगे रुकेगी। अच्छा ठीक है। कभी हम मशीन रुकेंगे सुई हमेशा हमारी ऊपर आगे रुकेगी। अगर हम चाहते हैं कि सुई हमारी पीस पे धस के रुके तो हम पी वाला बटन एक बार और दबा देंगे तो पीस में धस के रुकी सुई। अच्छा मतलब कि ये है कि अगर हम मशीन चलाते हैं और जब भी रोकेंगे तो ये मशीन हमेशा इसी तरीके से ऊपर आएगी सुई, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि कपड़े में लगे रहे तो हम एक बार पी और दबा देंगे तो वो कपड़े में रहेगी। तो अच्छा है, मतलब काफी फंक्शन है इसमें एडवांस। तो चलिए, इसका क्या प्राइस टाइम है? इसमें 19,800 रुपए की वाली, ये 19,800 रुपए की इस टाइम मैकी की मशीन है। तो चलिए अब आते हैं लास्ट, ये भी जैक कंपनी की मशीन है, जैक की ये तीसरी मशीन है। तो भाई ये मशीन किस लिए? इसमें भी व्हील बड़ा है, ये भी लग रहा है हैवी ड्यूटी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये तो लेदर है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लेदर, यानी ये लेदर के काम के लिए है। 6380 मशीन है वाली जैक की, 6380 जी। तो ये जैक की ये नाम सोफे, है। सोफे वगैरह के काम में यूज होती है हमारी, सोफे और कुर्सी में यूज होती है। अच्छा मतलब कुशन कवर वगैरह, मोटे मोटे कपड़े या लेदर जैसे कोई बनाने हो तो ये, जैसे कई सारे बुटीक होते हैं उनके अंदर जो है लेडीज लोग हमारी जो होती है वो बैग भी बनाती हैं, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से। तो ये वाली मशीन भी हमारी बुटीक में लगती हैं। अच्छा तो ये देखिए, अभी मैंने जो जितनी भी मशीन आपको दिखाई है, कितनी मशीन होगी, 1, 2, 3, 7 मशीनें आपको टोटल मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका एक क्या प्राइस है? इसका प्राइस भी आप एक बार बता दीजिए। 32,500 रुपये की मशीन है इस समय। अच्छा ये इस टाइम 32,500 रुपये की मशीन है। तो दोस्तों भाई एक बार फेस लीजिए। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि इनका जो गोदाम मैंने देखा है कोरोना की वजह से वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी, इसलिए सिर्फ ये थोड़ी सी मशीनें। अभी तो 30,000 प्लस की मशीनें भी हैं जो कि काज बटन, क्योंकि मान लीजिए आप कहीं भी हिंदुस्तान में अगर इनसे मशीन मंगवाते हैं तो ये बता रहे थे कि ये महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, और भाई किस साइड में आपने पूरे भारत में। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब भेजी है? महाराष्ट्र साइड में सबसे ज़्यादा इनकी मशीनें यहाँ से जाती हैं। तो हिंदुस्तान में आप कहीं भी आप मंगवाते हो तो आपको डिस्प्ले पे नंबर पूरी वीडियो में चलते नज़र आ रहे होंगे। आप इस नंबर पे इनसे कभी भी कॉल करके कुछ भी यहाँ से इनसे पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो आप इनसे ले सकते हो, और जो ऑर्डर देना हो आप इन्हें ऑर्डर दे सकते हो। तो ये आपको मैंने कुछ मशीनें दिखाई हैं, जब हमारे बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई हो जाएगी इनके गोदाम में तो हम आपको बढ़िया तरीके से और मशीनें भी दिखाएंगे। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, मैं आपको ये सिर्फ बोल के चल रहा हूँ। 70 तरह की भाई, इतनी तो मैंने सिलाई लाइन में अपनी उसमें भी नहीं देखी, सही बता रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, ये तो हमने दिखा दिया। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं एक ऑटोमेटिक मशीन है, जो कि आपने देखा होगा कि किसी में फुट अलग अलग चेंज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक मशीनें। तो चलिए अब हम आपको वाली मशीनें दिखाते हैं, फिर हम बुटीक लेवल वाली मशीन पे भी आएंगे अभी। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ मशीन के बूट, और ये जो बूट मैं आपको दिखाऊंगा ये आपकी काली मशीन यानी कि अम्ब्रेला मशीन में भी लग जाएंगे और ये आपकी ऑटोमेटिक मशीन में भी लग जाएंगे। तो देखिए बूट आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बूट अलग अलग तरीके के हैं। ये बूट आप देखेंगे तो ये आपकी लब की सिलाई के लिए है। लब की सिलाई कौन सी होती है? जैसे कि पैंट की आप इस साइड में देखते हैं ना, यहाँ पे इस साइड में एक सिलाई लगती है किनारे पे, उस लिए ये काम आते हैं, जिससे कि बिल्कुल किनारे से सिलाई उतरती नहीं है, तो ये इसे लब बूट कहते हैं। तो ये बूट हो गया, ये बूट हो गया, ये आपके उसी काम में आते हैं। ये बूट शायद थोड़ा अलग लग रहा है, और बूट अभी आपको मैं और दिखाऊंगा। ये देखिए ये पटरी प्लास्टिक की किस काम में आती है? दाता है प्लास्टिक का, क्या किस काम में आता है? लेदर सिलने के लिए, बैग सिलने के लिए। अच्छा ये दाता है, ये आगे फेंकने के लिए कपड़े को, ये दाता ये प्लास्टिक का दाता है, ये प्लास्टिक का दाता देख सकते हैं आप, ठीक है। और बूट देखिए ये आपका बड़ा बूट है, ये हैवी कपड़े के लिए काम में आता है जी, बिल्कुल ठीक है, ये हैवी कपड़े के काम में आता है, काफी चौड़ा, आम बूट से काफी चौड़ा होता है वाला बूट। और ये वाला बूट ये लब की सिलाई करने के लिए भी है। अच्छा ये भी लब की सिलाई के, अच्छा ये ऊपर नीचे है जी, ऊपर तो हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ये बूट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं लेके भी जाऊंगा। ये है जिप लगाने के लिए, यानी कि आप इसमें लगाओ ठीक है, और यहाँ पे अपनी जिप को आराम से लगा सकते हो। आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से जिप, और ये बूट मैं आपको दो चार इसलिए दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप जरा बूट आप देखिए, ये रखिए यहाँ पे आप देखिए, और बूट आपको तकरीबन इनके 100 तरीके के बूट मिल जाएंगे। कोई बूट नहीं जो मेरे पास नहीं मिलेगा, यानी सब मिलेगा। मतलब अब अगर आपको किसी पर्पस के लिए बूट चाहिए, बस आपको फ़ोन करना है इनके पास और पूछ लेना, ये आपको बता देंगे हाँ अवेलेबल है, तो आप इनसे मंगवा सकते हो ठीक है। तो यहाँ से भेज भी देंगे, यहाँ से आपको भेज भी देंगे, यानी मंगवाने का मतलब ये कि आप कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हो, लेकिन हाँ मतलब कुछ भी मंगवा सकते हो आप ठीक है, चाहे कैंची मंगवाओ कुछ भी मंगवाओ, मैं आपको बहुत आइटम है सब दिखाता हूँ धीरे धीरे करके। तो ये देखिए दोस्तों ये है बटन मशीन ठीक है, इससे आप कपड़े का कोई भी बटन बना सकते हो। काफ़ी लोग पूछते थे ये कहाँ पे मिलेगी ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये भी अवेलेबल मिलेगी, और यहाँ पे इसकी डाई है, ये एक डाई है, इसमें अलग अलग तरीके की डाई होती है, यानी कि आपको छोटा बटन बड़ा बटन जैसे 21 नंबर, 22 नंबर और भी अलग अलग नंबर होते हैं। किस किस नंबर की होती है? 16, 18 सारे नंबर मिल जाएंगे आपको हमारे पास से, 16, 18, 22, 28
40 नंबर तक आती है। मतलब ये हर तरीके की डाई आती है, ये डाई अलग सिंगल कैसे पड़ती है? 180 रुपए की डाई है, 180 रुपए की डाई है, ठीक है। और लग इसी मशीन में जाएंगी? बिल्कुल लग जाएगी, दिखा दूं कैसे लगती है। वो तो वो मैंने बता रखा है स्पेशल वीडियो, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी ना अगर लगा के दिखाएंगे तो। ये मशीन आपको यहाँ मिल जाएगी। इस पूरी मशीन का प्राइस क्या है बटन के साथ? सिर्फ एक डाई, क्योंकि मैंने जो मशीन परचेस करी थी उसमें दो डाई और दो तरीके के बटन थे। तो आप यहाँ पे कैसे बेच रहे हैं? पूरी मशीन जो है कास्टर रंग की है, इसमें मशीन प्लास्टिक की भी आती है। अच्छा। ये वाला जो पाइप लगा इसमें स्टील का पाइप लगा, मतलब कि रेट की तो कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ ठीक है। 625 रुपए की मशीन है वाली, ये लोहे वाली जी बिल्कुल। और 180 रुपए की डाई है, डाई चाहे कोई सी भी हो। कितनी? अच्छा, ये डाई आपकी अलग है जी, डाई अलग से होती है। अच्छा ठीक है। और जो बटन मिलेंगे इसके साथ? बटन अलग से मिलेंगे, बटन भी अलग से। यानी कि ये सिर्फ 650 रुपए की आपकी मशीन मशीन है, 625 की, बाकी ये डाई और बटन जो भी आप मंगवाओगे वो अलग से हैं। तो ये भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ी ऑटोमेटिक मशीन दिखाता हूँ, छोटी वाली, जिससे कि आप देख पाए, आप वो भी मशीन मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो मशीन दिखाने वाला हूँ, इन मशीनों को कहते हैं डोमेस्टिक मशीन। तो ये मशीनें आती हैं आपके सिलाई कढ़ाई अलग अलग, मतलब अलग अलग तरीके की आपको सिलाई चलानी हो बुटीक पर्पस में या डिजाइनिंग काम में, ये आती हैं मशीनें काम में। तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ मशीन की झलक, और आपको बताना चाहूँगा इसमें एक एक कंपनी में आपको 7-8 कलर की, 7-8 जैसे इसमें ब्रदर के अंदर 15 तरह के मॉडल है हमारे पास, 15 तरीके के ब्रदर कंपनी है, इसी में ही मॉडल है। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा मशीन दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मशीन है इस तरीके की, आपने देखा होगा डोमेस्टिक, इसमें ये सिलाई के फंक्शन दे रखे हैं। ये देखिए कि कौन सी सिलाई आपको करनी है, आप उसी पे सेट कर दें तो आपकी उसी तरीके की सिलाई आएगी। अब यहाँ पे नीचे वाली मशीन में देखिए, ये उषा की है, ठीक है। उषा में यहाँ पे देखिए 14 स्टिच फंक्शन, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दे रखे सिलाई की, इस तरीके की यहाँ पे सिलाई हो सकती है, इसमें आप कढ़ाई भी कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली मशीन कौन सी थी, ब्रदर की, ब्रदर की 3700 मशीन है ये, 3700 दिखाइए भाई, अब आप बताइए सही तरीके से। ये सारे सिलाई करती है मशीन, ये काजी कर देती है, बटन लगा देती है, जिगजैग कर देती है, एम्ब्रॉयडरी के इसके अंदर कई सारे फंक्शन है इसके अंदर। अच्छा। लगभग 37 तरह की डिजाइन बनाती है मशीन। ये लिखा जापान क्वालिटी, जापान की जी जी बिल्कुल। अच्छा, जापानी कंपनी है, जापान की नहीं, जापानी कंपनी है। अच्छा, ब्रदर कंपनी है, जो ये मशीन बनाती है। ओके, इनके कई सारे मॉडल आते हैं, ये वाला मॉडल है 3700। ओके ठीक है। तो इसमें भी आपको 15 मॉडल मॉडल की हमारा उषा की है, सिंगर की है, ब्रदर की, तीनों कंपनी बेचते हैं, तीनों ही कंपनी बढ़िया मशीन है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया इनकी गारंटी मिलेगी आपको, 2 साल की होम सर्विस। होम सर्विस जी, इसमें सिंगर की भी है, उषा की भी, ब्रदर की, तीनों मिल जाएगी। और ये नीचे वाली, ये उषा की मार्वला मशीन है ये वाली, ठीक है। इसका भी सेम वही, जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके फीचर जो है सिलाई के बढ़ते जाएंगे। ओके, बाकी इन बिल्ड इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता किसी के अंदर भी, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये है सिंगर की मशीन, ठीक है। इसके पीछे साइड होगा? नहीं, इसमें पीछे प्रिंट नहीं होता, ठीक है ठीक है। ये सारा नोट पे दे रखा है इसके अंदर। ओके ओके, मतलब कौन सी सिलाई कैसे करनी है, जितनी भी मशीन, ये वाली ऑटोमेटिक मशीन बोलते ज्यादा इनको, वैसे डोमेस्टिक घरेलू काम के लिए बेसिकली इनको लोग जो है बुटीक में भी यूज करते हैं डिजाइन विजाइन लगाने के लिए। ओके ओके, नीचे वाली मशीन उषा की है, ये मिस्टिक मॉडल है ये। हाँ, इसका कौन सा मतलब मॉडल, नया मॉडल निकाला इन्होंने वाला भी, इसको आए हुए कम से कम 2 महीना हो गया है। ओके, ये कलरफुल मशीन इन्होंने निकाली है। तो इसमें ये सब सिलाई के फंक्शन जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी डब्बे प्रिंट दिख रहा ना कोई वाला, ये हर तरह की मशीन वाली मशीन बनाती है। अच्छा, तो ये देखिए प्रैक्टिकल डिजाइन होते हैं जो हाथ से निकलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है बिल्ड 37 स्टिच, यानी 37 तरीके की आप यहाँ पे स्टिच कर सकते हो, ठीक है। ब्रदर की मशीन आती है FS-101, वो भी मिल जाएगी हमारे पास। अच्छा ठीक है, उसमें 101 तरह की डिजाइन बनाती है मशीन वाली। प्राइस वो वाली जो मशीन है 16,500 रुपए की FS-101, और ये वाली जो मशीन है हमारी, ये मिलेगी आपको 11,500 रुपए की, ठीक है, 3700। इसमें प्राइस में फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है, खासकर जो इंपोर्टेड मशीन हमारी, जैसे जो झुकी मशीन होती हैं या फिर ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन होती है, ये सारी मशीन जो अपने हिंदुस्तान से बाहर से बन के आती है, हिंदुस्तान में मशीन कोई नहीं बनती है वाली, इसलिए इसमें रेट में फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है। मतलब भाई ये कह रहे हैं कि अभी तक आपको जो भी इंपोर्टेंट मशीन दिखाई है, इसका रेट कोई फिक्स नहीं है, अभी का जो रेट है वो आपको बता दे रहे हैं ये। बाकी आप जब फ़ोन करेंगे तो आपको हैंड टू हैंड रेट बता दिया जाएगा कि उस दिन का क्या रेट चल रहा है। तो रेट कोई भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर रेट में अगर मैं भूल भी जाता हूँ किसी का रेट, तो आप जो मशीन पसंद आती है तो भाई से फ़ोन करके आप सारी बात पता कर सकते हैं। इनका बहुत बड़ा स्टाफ है, किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं होगी। ये यहाँ पर देखिए, ये लिखा है उषा वंडर स्टिच प्लस, और यहाँ पर लिखा 36 स्टिच। ये भी एक उषा का मॉडल है, 1 प्लस 36 तरह के फंक्शन है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखे ये वाला, ये सारी डिजाइन इसके अंदर बनाएंगी। अच्छा, इसमें कढ़ाई भी हो जाएगी, यहाँ दिखा रखा है। जितनी भी मशीन चाहिए, मशीन इसमें 7,000 रुपए से स्टार्ट होती है वैसे वाली। ओके, 1-1.5 लाख तक की इसमें मशीन आती है इसके अंदर हमारे पास। जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो क्रिटिकल डिजाइन है जो हम हाथ से नहीं बना पाते, वो ये मशीन बना के देगी। अच्छा जी, वैसे मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, मैं भी एक बार ट्राई जरूर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं।
अच्छी चीज है ना, मतलब डिजाइनिंग हमें सिखाना है लोगों को, तो इस मशीन यूज जरूर करेंगे। ये वाली मशीन ब्रदर की है, आप थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा माइक आ रहा है ना, आवाज कम ज्यादा है, तो थोड़ा आप इधर आइए इस साइड में, ताकि मैं माइक से आवाज भी क्लियर आनी चाहिए। ये वाली मशीन हमारी ब्रदर की J820 7500 रुपए की मशीन है वाली इस समय, ठीक है। लॉकडाउन से पहले करीब 2 महीने पहले जो वाली मशीन हमारी 6000 रुपए की थी, 1500 रुपए इसमें रिपने फ्लक्चुएशन आया इस बार। हाँ जी, हाँ जी, कम भी हो सकता है, जल्दी थोड़ी हर बार बढ़ेगा। नहीं नहीं, कम भी होता है और रेट बढ़ भी जाता है कभी कभी, डॉलर के हिसाब से भी पेमेंट होती है इसकी। अच्छा, डॉलर के हिसाब से होती है, इसलिए फ्लक्चुएट होता रहता है। एक ब्रदर के नीचे है LX27NT, ये भी एक मॉडल है ब्रदर का ही, इसमें भी कुछ जैसे 3700 है, वैसे ये वाला 27NT है, इसमें थोड़े से कम फीचर है उस मशीन। यहाँ पे लिखा है 27 बिल्ट इन स्टिच, मतलब 27 तरीके की स्टिच होगी इसमें जी, बिल्कुल। तो इसमें से एक मशीन आप खोल के दिखा दे हमारे व्यूअर्स को, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी एक मशीन भाई खोल के आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके की मशीन होती है। मैं क्या, ये वाली मशीन खोल सकते हैं आप, ये वाली कलरफुल? चलिए ये वाली मशीन हम आपको आपको दिखाते हैं, और आप देखिए किस तरीके की मशीन होती है। भाई के पास बहुत सी चीज़ें हैं, बस अभी लॉकडाउन की वजह से साफ़ सफाई नहीं हो पाई, सब सामान इधर उधर, अब हम दुकान बंद करके जो है मतलब ये बना रहे हैं। आप एक बार झलक देख लीजिए, इनके यहाँ पे कूलर हैं, ये मशीनों की वैरायटी देखें, काली मशीनें जो हम यूज़ करते हैं, जो सबसे पहले यूज़ होती थी, और इस साइड में देखिए ये कूलर, यहाँ पे मिक्सी, ठीक है। और एक बार हम पूरा घुमा के दिखा दो, यहाँ पर देखिए पंखे वगैरह, आप देखिए ऊपर कूलर, यहाँ इस साइड में आइए थोड़ा, ये मेरे घर के पास ही है। आप यहाँ पर अगर विजिट करते हैं, दिल्ली में है कहीं पे, तो यहाँ से मेरा घर भी 1.5 किलोमीटर दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है। आप देखिए पूरा सामान है, और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए सबसे मेन चीज़, थोड़ा यहाँ से दिखाइए अगर आपका हाथ जाता है भाई, ये देखिए इनको जैक और उषा की, इसे क्या कहते हैं, डीलरशिप मिली हुई है, इनका क्या नाम है, सर्टिफिकेट है, यानी जेन्युइन काम होता है। सर्टिफिकेट इसलिए लगाया जाता है कि आपको मतलब भरोसा रहे कि हाँ ये एक जेन्युइन जगह है, यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल ही बेकार नहीं जाएगा। तो देखिए शटर बंद है, और शटर बंद करके जो है हम इसकी वीडियो बना रहे हैं, तो मशीनें देखिए कितनी ज़्यादा है, आपको हम दिखा चुके हैं। तो चलिए एक मशीन ओपन कर ली, हम आपको वो मशीन दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एक सिंगर की मशीन खोल के दिखाइए, कुछ इस तरीके की होती है, और ये सब कुछ आपको होम डिलीवरी यानी कि घर पे आने के बाद पूरा सेट करके जाएगा बंदा, ठीक है, जो भी इस कंपनी का सिंगर कंपनी का है। भाई कुछ बताना चाहते हो बता दो। ये सिंगर की मशीन है, सिंगर की टैलेंट मशीन है वाली, ये वाली डिजाइन बनाती है मशीन, जितने भी यहाँ पे नोब पे आप प्रिंट देख रहे हैं, ये हर तरह की डिजाइन बनाएगी मशीन है वाली। टॉप लोडर मशीन है ये, टॉप लोडर का मतलब ये हुआ, जैसे ये हमारी विंडो है, ये हट जाती है यहाँ से, वो मैं दिखाऊंगा आपको, दिखाइए आप, दिखाइए एक बार। ये सिलाई पक्की करने के लिए रखा है, ये सिलाई छोटी बड़ी करने के लिए रखा है, ये सिलाई छोटी बड़ी करने के लिए, ये मतलब कि पूरी एकदम परफेक्ट मशीन है। मतलब ये तो जो घर पे जाएगा ठीक करने के लिए, वो ये समझा देगा ना एक बार। बिल्कुल, इसका डेमो होता है, फ्री डेमो मिलेगा इसका आपको। ओके, बाकी इस मशीन का सामान है, ये हर मशीन में सामान निकलता है ये। अच्छा, इस तरीके का सामान निकलेगा जी, ठीक है, आप यहीं पर दिखाइए, थोड़ा व्यू अच्छा आएगा। ये इसकी बॉबिन है। अच्छा, प्लास्टिक की बॉबिन लगती है जी? जी, इस मशीन प्लास्टिक, स्टील की भी चल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर प्लास्टिक की बॉबिन आपके यहाँ मिल भी जाएगी अगर खो जाए किसी को? बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। मेरे पास मशीन का, हर मशीन का, चाहे कोई सी मशीन हो, इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन, डोमेस्टिक सेविंग मशीन और कमर्शियल सेविंग मशीन, इसका A to Z सामान मिल जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, चाहे मशीन चाहे कोई भी हो, आपको एक पार्ट भी अगर आपका वो खो जाता है, डैमेज हो जाता है, आपके पास वो मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। ये इसका स्पूल पिन है, ये सिलाई उधेड़ने के लिए होता है। हाँ, ये सिलाई मतलब वो सिलाई को खोलने के लिए होता है जी। तो ये सारा सामान इसे मिलेगा, ये सब सामान मिलेगा इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप भी परेशान हो जाओगे कि अभी दिखा दिया। और ये तो ट्रेलर है, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये ट्रेलर है, क्योंकि जब मैं दोबारा से इनके यहाँ का ब्लॉग बनाऊंगा ना, फिर आप देखना कि इनके यहाँ मशीनें कौन कौन सी है, आप खुद देखते रह जाओगे, बहुत बढ़िया बढ़िया आपके यहाँ पे मशीन मिलेगी। और दोबारा एक बार बोलना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में ये डिलीवर करते हैं, तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ये मशीन मंगवा सकते हैं। और एक बार यहाँ पर दिखा दीजिए, ये देखिए, ये जितने भी है ना, हर तरीके के फोल्डर यहाँ, मतलब इतने मशीन में फोल्डर होते हैं कि फोल्डर हो गए या मशीन के औजार हो गए, छोटे छोटे से नट बोल्ट, हमें नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे इनके पास वो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको कुछ नई चीज़ दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ओवरलॉक की मशीन, जिसे हम इंटरलॉक की मशीन भी कहते हैं। ये मशीन काम आती है, जैसे धागे वगैरह निकलते हैं उसको स्टिच करने के। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ मशीनें लगाई, मशीनें बहुत हैं, बस वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने ये लगाई है। तो ये मशीन कौन सी, ब्रावो की? ब्रावो कंपनी की मशीन है, ठीक है। ये ब्रदर की है और ये रोडेक्स की है। इन सभी मशीनों में, इसमें कई तरह की मशीन आती है हमारे पास, जैसे अलग अलग नाम से आती है, नागरा की आती है, उषा की आती है, सिंगर की आती है, मेरिट की आती है,
इन सभी मशीनों में तीन धागे चलते हैं वो। लेकिन आपके आपके यहाँ पे मैं मशीन लेने आया था तो आपने मुझे नागरा की मतलब सजेस्ट करी थी, सबसे हाई फाई मशीन वही भाई सबसे। अच्छा मैं मतलब बढ़िया मशीन लेके गया हूँ आपके यहाँ से, ठीक है। तो ये तो तीन मशीनें नॉर्मल होगी, तीनों एक जैसा काम करेगी, देखिए इस तरीके का, ठीक है, ओवरलॉक का। अब आ जाइए इसके बाद, ये जैक की मशीन है, ये भी एक ओवरलॉक मशीन ही है, इसके अंदर आपको उषा की ओवरलॉक मिल जाएगी। तो इसमें कितने धागे डले भाई? पांच धागे, इसमें पांच धागे चल रहे हैं। अच्छा पांच धागे डलेंगे, ठीक है। इसमें तीन धागे भी चल जाएंगे, चार धागे भी चल जाएंगे और पांच धागे चल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या प्राइस है इस मशीन का? इस समय ये वाली मशीन 29,500 रुपए की है। 29,500 की मशीन है, रेट कोई फिक्स नहीं है, ये आपको मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। और ये मशीनों की भी एक बार रेट बता दीजिए। ये वाली इस समय 5,000 रुपए की है, स्टैंड लगा के, जो मैं आपको पैसा दूंगा स्टैंड फट्टा मोटर लगा के पूरी। अच्छा एक चीज याद रखें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मेरे फेस लो भाई, जो भी मशीन यहाँ पे रेट बताए जा रहे हैं या जो भी अप डाउन होंगे, ये हेड के नहीं है, ये पूरा पायदान के साथ आपको पूरा फिक्स करके जो है उसका रेट बताया जा रहा है। लेकिन जो कोरियर से लोग मंगवाएंगे उसका जो चार्ज होगा वो अलग से होगा, ठीक है। और ये सब GST फिक्स है इसके अंदर, GST के साथ ये आपका बिल्कुल, यानी कि जो रेट बताया उसमें GST वगैरह सब इंक्लूड है। तो ये देखिए इस तरीके की ओवरलॉक मशीन है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ सिलाई मशीन भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको अम्ब्रेला मशीन। अम्ब्रेला मशीन किसे कहते हैं पहले आप ये भी समझ लें, क्योंकि काफ़ी लोग कहते थे सर मशीन के बारे में बताइए, तो मशीन की ही जानकारी है पूरे इस व्लॉग के अंदर। और ये ब्लॉग पसंद आए ना तो इस व्लॉग को लाइक और शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए हम। तो ये जो होती हैं बड़ी मशीन होती हैं, ये देखिएगा तीन तरीके की मैं अभी मशीन दिखा रहा हूँ। और मशीन भी आपके यहाँ कितने तरीके की मशीन होंगी यहाँ बड़ी मशीन? अम्ब्रेला मशीन जो है कम से कम 50 तरह की मशीन हमारे पास, 50 तरीके की अम्ब्रेला मशीन जी, अलग अलग कंपनी की, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, ये है उषा कंपनी की मशीन, तो इसके बारे में बताइए किस प्राइस की है इस टाइम? इस समय जो हेड है मशीन का सिर्फ 4,500 रुपए का है वाला, ये खाली हेड बता रहे हैं आप? जी जी ठीक है। स्टैंड जो है कई तरह के आते हैं, जैसा स्टैंड कस्टमर पसंद करता है उसको वैसा मिल जाता है। अच्छा वैसे अगर मान लो एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड कोई वैसे स्टैंड के साथ बता रहे, लगभग स्टैंड मिल जाता है, बढ़िया बढ़िया। तो यानी कितने की हो जाएगी मशीन? ये वाली 6,300 की बैठती है, 6,300 की ये उषा की मशीन बैठेगी। और इसमें मोटर वगैरह नहीं होती, आपको मैं बता दूं मोटर आपको अलग से लेनी होती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये वाली डिसेंट की मशीन हो गई, ठीक है। अच्छा ये कंपनियां भी होती हैं कई अपने अपने, जैसे कि आपको तो मैंने बता दिया कि आप कहीं से भी हिंदुस्तान में मंगवा सकते हो इनके यहाँ से, लेकिन अगर आप अपने घर के पास भी किसी मशीन वाले के पास जाते हो नॉर्मल ये नॉर्मल मशीन के लिए, तो यहाँ पर आप कंपनी के हिसाब से ले सकते हो, आपको मशीन वाला ही बता दे। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट यहीं से करूँगा, क्योंकि यहाँ की मशीन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। आप जब बनाएंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ कोई चीज़ मैंने ली है। महंगा आपको एक बार ज़रूर पड़ेगा, लेकिन एक महंगा कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, ठीक है। अब ये वाली मशीन कोयल की मशीन, इनके यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस मशीन है ये, ज़्यादातर जो रेफर करते हैं किसी को भी सिलाई के लिए वो कोयल की मशीन का करते हैं। वाली मशीन आवाज़ बिल्कुल नहीं करती है। अच्छा हर फैब्रिक पे चलेगी, ऐसा कोई भी फैब्रिक नहीं बना जो ये मशीन नहीं सिलेगी। अच्छा इसका मत्था कुछ इस तरीके का, इसमें कुछ अलग, अच्छा मत्था नहीं सॉरी, इसमें ये आपका गोल है जी, इसमें कुछ अलग, इसमें जैसे जैसे ये गोल मशीन है हमारी, हाँ इसमें भी आपको कोयल में गोल मशीन भी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो गोल कैसा मतलब समझा नहीं, ये राउंड गोल है ना हमारा ये? अच्छा ये वाला राउंड गोल, ये चपटा है, ये चौरस में, यानी आपको ये भी राउंड में मिल जाएगा। मिल जाएगी। तो इस तरीके की करीब 50 तरीके की अम्ब्रेला मशीन इनके पास अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार थोड़ी झलक दिखा देता हूँ, और साथ में ही आपको छोटी मशीन भी वहीं पर दिखा दूंगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा रहेगा। तो ये देखिए पहले आप यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला मशीन यहाँ पे लगी है। राहुल भाई आप यहाँ से घूम के आ जाइए, थोड़ा पूछना पड़ेगा इधर से। तो ये देखिए ये जितनी भी हैं ये सब अम्ब्रेला मशीन है। ये अभी कुछ डिस्प्ले हैं जगह की कमी की वजह से, ठीक है। और ये जो मशीन है छोटी मशीन कहते हैं दोस्तों, हाथ वाली मशीन जो हाथ से चलती है, इससे आप अगर पायदान पे भी लगा लोगे तो ये आपकी छोटी मशीन ही कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पायदान पे भी लग जाती है, तो ये हाथ से हाथ वाली मशीनें हैं। तो थोड़ा आप घूम के आ जाइए इधर, मशीन है हमारी यहाँ पे। आप कौन सी मशीन डोमेस्टिक काम के लिए मशीन है हमारी सर, घरेलू काम के लिए होती है ये, सब घरेलू काम के लिए मशीन है। जो तो इसके अंदर आपके यहाँ, इसके यहाँ भी आपकी कोयल की मशीन दिख रही थी, ये भी ये कोयल। तो ये कोयल की कंपनी, अच्छा कोयल की 1, 2, 3, 4 ये सिंगर की है, ये उषा की है, इसमें भी सिंगर, ये उषा की है। सिंगर और उषा में कई सारे मॉडल आते हैं, वो सारे मॉडल मिल जाएंगे आपको हमारे पास। जैसे कि ये वाला जो मॉडल हमारा बंधन मॉडल है, बंधन आता है, बंधन डिलक्स आता है, जैसे कि आगे वाला मॉडल बंधन डिलक्स, आयुष मिल जाएगा, इसमें बहुत सारे बटरफ्लाई आता है, कई सारे मॉडल हैं इसके अंदर। तो मतलब मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि आप ये देखिए मशीनें आपको बहुत मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मशीन का हिसाब किताब होगा, क्या रेट पड़ेगा पायदान के साथ क्या है, वो आपको फ़ोन करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। डिस्प्ले के नीचे आपके नंबर आ रहे हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। अब लास्ट में दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कटर मशीन, जो कपड़े एक बार में फैक्ट्रियों में लगाते हैं ना, पूरे पूरे बंडल लगा देते हैं,
पूरा थान, फिर उसके बाद उसे कटिंग करते हैं। तो उस तरीके की आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनके पास वो मशीनें भी हैं, जब तक वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इनके यहाँ पर आप मशीन को रिपेयर भी करवा सकते हो। अगर मान लीजिए कोई मशीन आपको रिपेयर करवानी है तो आपके यहाँ मशीन रिपेयर भी हो जाएगी, चाहे वो आपकी कोई भी मशीन हो, हाथ वाली मशीन हो, नॉर्मल मशीन हो, डोमेस्टिक हो, ठीक है, या आपकी जैक मशीन हो, हैवी मशीन, हैवी ड्यूटी वाली, सब तरीके की मशीन, कटर मशीन, हर चीज़ ये यहाँ पे मतलब ठीक भी करते हैं, तो इनका ये भी काम है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कटर मशीन। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कपड़ा काटने वाली मशीन, और इसका प्राइस वगैरह भाई बता देंगे। तो ये देखिए, ये है हमारा इस तरीके का दोस्तों मशीन, बैक सिलने के लिए मशीन हमारी है। ये बैक सिलने के लिए है? अच्छा, मैं तो कपड़ा काटने वाली कहने वाला था। नहीं, कपड़ा काटने के आगे लगी। अच्छा ठीक, ये बैक सिलने के लिए मशीन है। जैसे हमने किसी को 50 पीस जो है भेजे हैं, कोई भी जैसे कपड़ा भेजा हमने, तो एक बैग के अंदर फिक्स करके उसको इस मशीन से सिल सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो मशीन हमारी होती है, मशीन है झुकी वाली, उस मशीन से बैग नहीं सिले जाते। एक बैग सिलने के लिए स्पेशल ये होगी, इसमें लिखा होता है बैग स्विंग मशीन। अच्छा, बैग स्विंग मशीन। अच्छा, ये मशीन भी देखिए, बैग स्विंग मशीन भी है। अब ये देखिए, ये है कटर मशीन। ये पूरे पूरे थान जब हम लगाते हैं तो उसको ये काटा जाता है, डेढ़ इंच काटती है, एक बार डेढ़ इंच काटती है। अच्छा, इसका प्राइस क्या था भाई इस मशीन का? ये वाली मशीन 4000 से स्टार्ट होकर और 6000 तक की आती है। और ये वाली मशीन? ये वाले 2700 से स्टार्ट होकर और 10000-12000 तक की आती है। ठीक है, ये भी देखिए कटर मशीन है एक, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से कपड़ा काटती जाती है, पूरे पूरे थान को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं तो हम इसका भी कभी ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है, तो ये मशीन है, अलग अलग तरह की मशीन है वाली। ये वाली बेल्ट वाली है, ये जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो बुटीक में भी लोग यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, बुटीक में भी करते हैं, जब उनको एक जैसे काफी मतलब ऑर्डर आ जाते हैं तो उसमें भी यूज करते हैं। तो ये भी देखिए उसी तरीके की मशीन है, सिर्फ कंपनी का फर्क है। आपको हर तरीके की मशीन अगर एक भी कोई भी होगा तो उसके मॉडल आपको बेशुमार मिलेंगे यहाँ पर। अब एक है ये दोस्तों बड़ी मशीन, इसे हैवी ड्यूटी कह सकते हैं? हैवी ड्यूटी कह सकते हैं। अच्छा, इसे हैवी ड्यूटी कह सकते हैं। ये देखिए इसका ब्लेड देखिए कितना तेज है, ये भी कटिंग के काम आती है। ठीक है, 10 इंची कटिंग मशीन है वाली, एक बार में 9 इंची लेयर काटती है, मतलब यानी कि 9 इंची की लेयर अगर आप कपड़े की लगा देते हो, उसमें चाहे कितना भी कपड़ा हो, पतला होगा तो ज्यादा होगा, एक बार में ये कट जाएगा। तो इस तरीके से इसमें साइज छोटा मिल जाएगा। ठीक है, 6 इंची तक मशीन भी आती है इसमें। ये क्या प्राइस है इसका? इस समय ये वाली जो मशीन है 14500 रुपए की है। अच्छा, ये वाली मशीन 14500 की है। तो चलिए मैंने आपको ये दिखा दिया, फटाफट मैं अब आपको दिखाता हूँ स्टीम प्रेस के लिए कि स्टीम प्रेस इनके पास किस किस कलर की है, कैसी स्टीम प्रेस है, कितने प्राइस की है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टीम प्रेस। तो ये देखिए यहाँ पे स्टीम प्रेस है, ये थोड़ी छोटी सी स्टीम प्रेस है और ये थोड़ी चौड़ी है। ठीक है, स्टीम प्रेस के इसके ऊपर रखी जाती है। ठीक है, ये आप अपने काउंटर पे रख के इसके ऊपर स्टीम प्रेस रख दो, और इसके अंदर लगाने के लिए बूट होता है, बूट साइज होता है हर किसी बूट का अलग अलग, तो ये बूट लगाया जाता है। तो ये बूट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी कपड़े पे अगर स्टीम करते हो तो ये जलाएगा नहीं और फिनिशिंग से एक ही बार में कपड़ा साफ़ कर देगा। देखिए ये इस तरीके का भी बूट होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये टंकी होती है, इसमें पानी डालने के बाद आप इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हिस्सा है यहाँ से पानी आएगा, तो ये पाइप है, ये पाइप आपका यहाँ पे लगता है, और फिर एक पाइप का सिरा इधर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे होगा कहीं पे ऑप्शन इसका, इस साइड, अच्छा ये रहा। ठीक है, इस जगह पर, तो इधर यहाँ पर आपका पाइप लग जाएगा। ये देखिए ये है, तो ये सारी चीज़ आपको ये टंकी में लग जाएगा, ये सारी चीज़ आपको ये सेट करके देंगे। तो ये आपको मैं दो तरीके की स्टीम प्रेस दिखा रहा हूँ। स्टीम प्रेस आपके पास कितने तरीके की है? 1500 रुपये से शुरू लेके होके और 3000-3500 तक की प्रेस है हमारे पास, यानी 1500 से 3500 तक की आपके पास स्टीम प्रेस है। लेकिन कितने मॉडल होंगे इसमें? 3 मॉडल आते हैं इसमें, जैसे 2 मॉडल आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, ये वाला जो मॉडल लाल हैंडल वाला, ये ST96 बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं 300L, इसको 300L। एक इसके अलावा और भी थोड़ा छोटा होता है उससे। अच्छा, ये वाली ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से? नहीं, चलती दोनों ही सही है, चलने में कोई दिक्कत लेकिन नहीं। ये कपड़े को ज़्यादा कवर करेगी ना चोरी, इसलिए है ना, और कोई बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों अब मैं बता देता हूँ सब। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी तक हमने बहुत ही मेहनत से इस ब्लॉग को बनाया है, आप एक बार दुकान में घूम रहा हूँ आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके की दोस्तों यहाँ पे इनकी शॉप है, ये मशीनें जो आपको दिखाई थी एक एक डाई, और यहाँ पे आपको मशीन का हर एक सामान छोटे से छोटा मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि एक बार आप इनकी मतलब शॉप पर आके विज़िट करें। पूरा एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जो नंबर है आपको नंबर भी दे दिया जाएगा। और अभी मैं आपको एक कार्ड दिखाऊंगा, उस कार्ड में इनका नंबर होगा और मैं आपको कुछ एड्रेस एक्सप्लेन करूँगा, तो वो एड्रेस आप देख के यहाँ पर आ सकते हैं। अब एड्रेस के लिए दोस्तों देखिए मैं कार्ड ले लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं कार्ड दिखाता हूँ, भाई फोकस करो इस कार्ड के ऊपर।
ये नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे और ये कार्ड के ऊपर भी नंबर है, यहाँ पे एड्रेस है। एड्रेस मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने से आते हैं तो मेट्रो सबसे आसान रास्ता है। मेट्रो से आप उतरेंगे नवादा मेट्रो स्टेशन और यहाँ पे आपका पिलर नंबर जो पड़ेगा 721, उसके सामने गली इलाहाबाद बैंक होगा। इलाहाबाद बैंक के सामने महिंद्रा टेक्निकल वर्क्स करके इनकी शॉप का नाम है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, तो बहुत आसानी से आप इसको जो है यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, सारे सामान यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ये नंबर पर आप फ़ोन करके पूरी जानकारी लें और ऑनलाइन भी अपने सामान को ऑर्डर कर सकते हैं, आप तक ये पहुंच जाएगा। और रेट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि रेट यहाँ पर बता रहे हैं ये कि मशीनों का अप डाउन होता रहता है, तो कोई भी रेट फिक्स नहीं है। तो मैंने आपको इस वीडियो में फूट बूट और क्या नाम है हर एक चीज़ के बारे में कि किसको इस मतलब फोल्डर कहते हैं क्या है, तो हर तरीके का दोस्तों इनके पास सामान मिल जाएगा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।